Hello and welcome all of you. You're watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. Class 12th Accountancy CBSE Term 2 के सिलेबस हम कवर कर रहे हैं. डेली 3 बजे, राइट? 3 बजे हमारी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस में, मंडे टू सैटरडे. आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में हमने ये सीखा कि जब कभी भी हमें रिटायरमेंट का क्वेश्चन मिले तो हमें फिक्स 6 एडजस्टमेंट करने होते हैं. सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स. फिफ्थ, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. एंड सिक्स्थ, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट इफ सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन. मैं गारंटी देता हूं अगर ये सीक्वेंस आपको याद रहता है एडजस्टमेंट का और इन एडजस्टमेंट्स को आप करते हैं तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन इन एडजस्टमेंट के बाहर कभी जा ही नहीं सकता. दीज कैन बी द ओनली एडजस्टमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड. प्रीवियस क्लासेस में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर में से कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, जो अभी आपकी स्क्रीन पे भी एक फ्लैश हो रहा है. गुडविल से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, और लॉन्ग क्वेश्चंस जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी, वो भी डिस्कस किए. आज चैप्टर को कंप्लीट करते समय, चैप्टर को क्लोज करते समय हम और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें ना सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, बट टुगेदर विद दैट कैपिटल एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. दो फॉर 2022 एग्जामिनेशन द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट कुछ इनहेंस लर्निंग भी होनी चाहिए के कॉमर्स एकेडमी के साथ में, तो वो भी मैं आपको आज के क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूं. आगे बढ़ने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे अकाउंटेंसी टर्म 2 का. तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड्स को अगर किसी तरह की सब्जेक्ट में कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, या आपको इन क्लासेस से बेनिफिट मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को, इन वीडियोस को शेयर जरूर से करें. आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, किसी रेफरेंस बुक में से आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है. टेलीग्राम पे के कॉमर्स एकेडमी का ग्रुप और के कॉमर्स एकेडमी का चैनल फॉलो करें, ज्वाइन करें, और वहां पे मुझे अपने डाउट्स पूछें. इंडिविजुअल पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ दिस वर्ल्ड. तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जे एच एंड के वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. ऑन 31 मार्च 2015 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज. बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना ही है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में अगर कोई अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है 38,000 की वैल्यू पर, अगर इसकी वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रीट कर लिया जाएगा दैट दिस इज अ फ्री रिजर्व, और अगर ये फ्री हुआ तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएंगे. लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन इन्वेस्टमेंट्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये सब आपके नॉर्मल एसेट्स हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट से इनको ट्रीट किया जाएगा अगर इनकी वैल्यूज में कोई चेंज आता तो. एंड कैश अकाउंट भी टू है. ऑन द अबव डेट एच रिटायर्ड. एच का रिटायरमेंट हो रहा है. एच कौन है? जिसका शेयर 3/10 है. इस पार्टनर का, एच का रिटायरमेंट हो रहा है, 3/10 इसका शेयर है. एंड जे एंड के एग्रीड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,02,000. इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखी है. एक क्वेश्चन मैं सिंपल सा आपसे पूछूंगा, क्या ये 1,02,000 जो गुडविल कैलकुलेट करके दी है, इसका क्या किया जाए? तो आप सिंपल से बोलेंगे कि सर जब पार्टनर आया था तो गुडविल लेके आया था, अब पार्टनर जा रहा है तो वो गुडविल लेके जाएगा. बिल्कुल करेक्ट है. हम ये 1,02,000 जो फर्म की जो गुडविल है
गुडविल का शेयर रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए, तो क्या पूरा 1,02,000 मिलेगा एच को, रिटायरिंग पार्टनर को पूरा कंप्लीट अमाउंट मिल जाएगा? आंसर इज नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हम एच को कितना देंगे, हम एच को देंगे इसका 3/10 शेयर, जितना एच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट इसको, ये पार्टनर को दिया जाएगा, जो क्या आ जाएगा आपका समथिंग, डिवाइड कीजिए आप 10,200, तो 30,600 रुपीज आएगा, और ये 30,600 रुपीज हम क्या करेंगे, हम एच को दे देंगे। कहाँ से लेके देंगे, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनसे लेके देंगे। कौन गेनिंग पार्टनर है और किस रेशियो में गेनिंग पार्टनर है, इसके लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में, याद रखिएगा, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपको मिलता है और क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी को मान लिया जाता है कि वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा और वही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो फिर हमें कैलकुलेट करना होता है कि कौन से पार्टनर का कितना गेनिंग रेशियो बन रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं फर्दर। हमें पॉइंट नंबर टू कहता है, देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹8,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है तो हम इस क्लेम को उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कंपनसेट कर लेते हैं, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट क्रिएट कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अराइज हो रही है फॉर अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, इसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट से क्रिएट करेंगे। इट इज अ लाइबिलिटी टू बी क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। अभी हमारे पास में प्रोविजन कितने हैं, 6,000 के प्रोविजन हैं, इन्हें हमें 2,000 से रिड्यूस करना है। इसका मतलब रिड्यूस होने के बाद में ये हमारे पास 4,000 रह जाएंगे। लेकिन जब हमें प्रोविजन को रिड्यूस करना है, इसका मतलब क्या है, देर इज एन एक्सेस प्रोविजन, एंड एक्सेस प्रोविजन इज रिटन ऑफ थ्रू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड ऑफ रिवेल्यूएशन अकाउंट। तो हम ये जो 2,000 रुपीज का रिवेल्यूएशन, हमें 2,000 रुपीज का प्रोविजन हमें रिड्यूस करना है, इसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जब भी कभी आपको प्रोविजन क्रिएट करना हो तो रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट से, और जब कभी भी आपको प्रोविजन को राइट ऑफ करना है, एक्सेस प्रोविजन हो गया है, तो रिवेल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर। पॉइंट नंबर फोर हमें ये कहता है, एच विल बी पेड ₹14,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच विल बी पेड इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो भी उसका शेयर बनेगा, जो एच है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो भी उसका शेयर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका टोटल अमाउंट बनता है 1,00,000 रुपीज का, इसमें से 14,000 रुपीज तो उसको इमिडिएटली पेमेंट हो जाएगा, और रिमेनिंग का बचा हुआ जो अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एज अ लोन ट्रीट कर लेंगे, और 10% लोन उसको ट्रीट कर लिया जाएगा, जो कि 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट से बाद में पेमेंट किया जाएगा फर्दर। तो अगर क्वेश्चन आपसे लोन अकाउंट भी डिमांड करे तो आप लोन अकाउंट बना के बता सकते हैं, बट वो डिमांड नहीं किया जाएगा, हमारे 2022 के करिकुलम में वो इंक्लूडेड नहीं है। पॉइंट नंबर फाइव, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जे एंड के इज 3:2। अब देखिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो हमें इन दोनों फिगर्स को यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा गेनिंग रेशियो कितना है और किस पार्टनर का है। देयर कैपिटल्स विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैं बाकी सारे रफ कर देता हूँ जिससे आपको हाईलाइट हो सके। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर कैपिटल्स विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस सेंटेंस स्टेट्स दैट, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एच। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स को आपको उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में एडजस्ट करना है, और इस एडजस्टमेंट को करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कैश से उसको एडजस्ट करते, कैश और बैंक वॉट एवर इट मे बी सेम थिंग, या फिर आप उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट से एडजस्ट करें। और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हो तो आपका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट किया जाएगा। प्रिपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट
ऑफ द न्यू फर्म। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट लग रहा है, क्वेरी लग रहा है, तो एक बार आप वो पूछिए, उसके बाद में मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सॉल्यूशन में वही 6 स्टेप्स हमें फॉलो करने। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मेरे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे पास में 3:2। इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो बिटवीन जे एंड के। फाइन, तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। आपके माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप अपनी स्क्रीन पे चैट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन है, उसमें आप लिखिए, मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जे एच एंड के। हमारे पास में ओल्ड प्रॉफिट शेयर नहीं, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसे मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या रहेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ कम्स पॉजिटिव देन इट विल बी सैक्रिफाइसिंग, इफ कम्स नेगेटिव इट विल बी गेनिंग। हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था कितना, 2/10, 3/10 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है हमें 3:2। तो 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस 3/5, 0 एंड 2/5, राइट। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा आपका 10, 5 माइनस 6 इक्वल्स टू -1/10। ये हमारे पास में 3/10 ही रह जाएगा एज इट इज, और यहां पे हमारे पास में आएगा एलसीएम 10, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2/10। जो माइनस आए हैं वो गेनिंग रेशियो हैं, जो नेगेटिव आए हैं वो गेनिंग रेशियो हैं। तो हम कह सकते हैं द गेनिंग रेशियो अमंग जे एंड के शैल बी 1:2। जो गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल, उसके लिए गेनिंग रेशियो की मेनली रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। गुडविल क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1,02,000, और 1,02,000 में पहले हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर दैट इज एच, सो दैट विल बी 1,02,000 मल्टीप्लाई 3/10 इक्वल्स टू 30,600, और ये 30,600 दिया जाएगा एच को। लेकिन ये आएगा कहाँ से, ये आएगा जे और के में से, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में से, उनके गेनिंग रेशियो में, दैट इज 1:2। 1:2 का मतलब हो जाता है 10,200 एंड 20,400। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने आपको दे दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हमने देख लिया, समझ लिया।
अब हमारा थर्ड स्टेप क्या रहता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको एक बार दोबारा से देखना होगा। देखिए क्वेश्चन में हमें एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करना है 8,000 रुपीज का, दूसरा हमें एक्सेस प्रोविजन है 2,000 रुपीज का, इसे क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन में लिखना है, और बस दो ही आइटम है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे बाकी तो 14,000 पेमेंट से रिलेटेड वाली बात बोल रहे हैं, तो दो ही आइटम ऐसे हैं जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीट करना है। एक तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट करना है और दूसरा हमें एक्सेस प्रोविजन को राइट ऑफ करना है। क्लेम क्रिएट किया जाएगा 8,000 रुपीज का फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड एक्सेस प्रोविजन जो है 2,000 का उसे हम मेंशन करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बना लेते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। मैं रफली ही ड्रॉ कर रहा हूँ और आप लोग स्केल और पेंसिल का यूज़ करके अच्छा एक फॉर्मेट ड्रॉ करें। जितना बेटर प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में आप देंगे उतना इजी आपके लिए मार्क्स स्कोर करना होगा। अक्सर बच्चे हेडिंग्स वगैरह लिखना में रह जाते हैं। हमेशा याद रखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हेडिंग्स जरूर लिखा करें, अदरवाइज 25% या फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करना, हेडिंग नहीं लिखना, इन सब चीजों की वजह से आपको 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो एक तो हमें क्रिएट करना है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम इसको कह सकते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000 रुपीज का, और जो एक्सेस प्रोविजन था टू बाय बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसे हम राइट ऑफ करना है इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। ₹2,000 फाइनली जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ₹6,000, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, जेज कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल अकाउंट, केज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, हमेशा याद रखिए एनी प्रॉफिट और लॉस एंड रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो। तो ये 6,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। ये हो जाएगा 3,000, 1,200 एंड 1,800, ठीक है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो किया, कितना आया 1:2, गुडविल का शेयर कैलकुलेट किया एच का, कितना आया 30,600, और इस 30,600 को फिर हमने दोनों पार्टनर से ले लिया जे और के से,
उनके गेनिंग रेशियो में 1:2 में। देन हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में हमारे पास में क्या आया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 3,018 and 1,200। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ने से पहले यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो एक बार पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो क्या चाहिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद में सेकंड जो स्टेप आता है वो गुडविल का, थर्ड स्टेप आता है रिवैल्यूएशन का। गुडविल के लिए हमने कैलकुलेट किया था अभी, जे और के देंगे शेयर ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर। जे देगा 1:2 के रेशियो में, जे देगा 10,200 और के देगा 20,400, राइट। और थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन पे अभी हमने प्रॉफिट अर्न किया था, सॉरी रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस हुआ था 6,000 rupees का, जो हमने तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ किया था। तो एटलीस्ट पहले तीन चीजें हम एंटर करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Particulars, J, H and K. J, H and K by balance brought down. और हमारे पास में बैलेंस शीट में हमें कितने बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखे हैं तीनों पार्टनर्स के लिए, मैंने यहाँ लिख लिए रफली ₹1,00,000, ₹80,000, ₹40,000। तो जे का हमें गिवन है 1,00,000, 80,000 एंड 40,000। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है गुडविल। तो गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे देना है। हु इज द रिटायरिंग पार्टनर? H is the retiring partner. The partner who is retiring or who is dying, आगे जो death of a partner का chapter हम पढ़ने वाले हैं, तो जो partner जा रहा है उसको हम देंगे। Whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited. तो यहाँ पे हम जो retiring partner है उसके credit में entry करेंगे by J, and by K. J कितना देगा? ₹10,200 और K कितना देगा? ₹20,400। और ये अमाउंट हम इन दोनों पार्टनर से लेना है, तो जिन पार्टनर से लेना है उनके डेबिट में टू H कैपिटल अकाउंट। 10,200 हम जे को डेबिट कर देंगे और 20,400 हम के को डेबिट कर देंगे, हो गया। अब रिवैल्यूएशन की बात करें, लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन पे, और जो रिवैल्यूएशन पे लॉस था वो था 6,000 का, जो हमने तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ किया था ₹3,000, 1800, 1200। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, मैं आपको फिर से स्टेप्स रिकॉल करवा दूं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डन।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। कॉशन की बैलेंस शीट में हमें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है जो हमें राइट ऑफ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दोनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में किस रेशियो में होंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक बार चेक करें कितने बैलेंसेस गिवन है। देखिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस का 80,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का 20,000 दे रखा है। और हमेशा याद रखिए जो लाइबिलिटी साइड की आइटम है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाती है, और अगर यहाँ पे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा होता तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाकर राइट ऑफ होता। अगर यहाँ पे गुडविल दे रखा होता तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाकर राइट ऑफ होता। लेकिन यहाँ पे जो आइटम लाइबिलिटी साइड पे दे रखी होती है, लाइबिलिटी साइड के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, नॉट लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट है ना, क्रॉस में जाते हैं, अपोजिट साइड पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 20,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 80,000 का। ये दोनों हम पार्टनर्स को देंगे, उनके ओल्ड पार्टनर्स को देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है तीनों पार्टनर्स में दिया जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें कितना दे रखा है 80,000। 80,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3:2 में, राइट। सो 40,000 फॉर जे एंड रिमेनिंग हमारे पास में बचता है 12,000 फॉर एच एंड 8,000 फॉर के, राइट। इसके बाद में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का 20,000 दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्योंकि कोई चेंज नहीं आया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी पूरी तरह से फ्री है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 20,000, 6,000 एंड 4,000। लास्टली आपको ध्यान है क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमें 14,000 रुपीज तो इमिडिएटली पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट, एच को हम 14,000 तो इमिडिएटली पेमेंट कर देंगे, और बाकी का जो अमाउंट होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो टू एच लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं कितना आता है। इट इज 600, देन 2 and 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1,28,600। में से हम लेस करेंगे कितना, 15,800 हमारे पास बचता है 1,12,800। जो कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। वहां एक करेक्शन की जरूरत है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 80,000 को 5:3:2 के रेशियो में, तो ये जो बैलेंसेस हैं ये नहीं आएंगे, अमाउंट ये गलत हो रहा है, करेक्शन करते हैं। ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा,
तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 80,000 को 5:3:2 के रेशियो में, सो विल गेट 24,000 एंड 16,000. अब सही आएगा 12,000 एंड 8,000. तो इसका जो टोटल है वो चेंज हो जाएगा. नाउ 4 and 2 8, 8 and 1 9, 10 11 12 13 14, 1,48,600. और 1,48,600 में से जब हम लेस करेंगे 15,800, तो हमारे पास में आएगा 0 0 8 2 एंड 3. वंस अगेन अ मिस्टेक. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सिर्फ हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 20,000 ही है. तो उसे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 10,000 राइट. तो इसके हिसाब से हो जाएगा हमारे पास में टोटल, फिर से एक बार चेंज होगा. जीरो एंड वन, 9 10 11 12 13 14, 1,40,600. और इसमें से हम लेस करेंगे 15,800 को, तो हमारे पास बचेगा 1,24,800 लोन अकाउंट का अमाउंट. वन लैख 24,800, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर एज द वैल्यू ऑफ लोन अकाउंट. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो एक बार पूछिए, उसके बाद इसके आगे का मैं बताता हूं आपको. देखिए कि हमें क्वेश्चन ने ये कहा था, चलिए बैलेंस कैरेट डाउन हम जे और के की भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं पहले. के के लिए हमारे पास में आता है 40 और 56 and 60,000. और 60,000 में से हम लेस करेंगे 21,600. इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं जे के लिए 1,50,000. वन लैख 50,000 में से हम 13,200 लेस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आएगा 1,36,800. अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ. ये हमने क्या निकाला है, बैलेंस कैरेट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन ऑफ द पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. लेकिन आपको ध्यान है क्वेश्चन में ये भी कहा है कि हमें इनके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल्स को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ध्यान है ना आपको कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. तो हमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके
कैपिटल बैलेंसेस को, दिस इज 1,36,800 एंड 38,400, इस कैपिटल बैलेंसेस को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें एडजस्ट करना है. सो कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट अभी हमारा बाकी है इसमें, तो उसको शुरू करते हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपने बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट किए इसको आप आगे कैरेट डाउन कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा. बहुत सिंपल सा कैपिटल एडजस्टमेंट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक बार ध्यान देने की समझने की जरूरत है. ये करने के बाद में हमें क्या करना है, देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना हो रहा है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू 1,36,800 प्लस 38,400. मैंने येलो कलर से इनको इसीलिए लिखा जिससे अलग से आपको हाईलाइटेड हो जाए. सो ये टोटल आ जाता है इसका रुपीज 1,75,200, और इस 1,75,200 को हम डिवाइड कर देंगे इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2, तो हमारे पास में आएगा 1,05,200 एंड 70,080. 3:2 के रेशियो में जब आप इसको डिवाइड करेंगे, राइट. तो अब ये जो बैलेंस कैरेट डाउन आपने कैलकुलेट किए हैं फॉर जे एंड फॉर के, ये एक्चुअल में बैलेंस कैरेट डाउन बनेंगे. ये एक्चुअल में बैलेंस कैरेट डाउन बनेंगे का मतलब ये है कि यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन. ये जो मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं यही अब नई बैलेंस शीट में जाएंगे, 1,05,200 एंड 70,080. यही अमाउंट जो है वो जाएंगे नई बैलेंस शीट में, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उस बैलेंसिंग फिगर को हम करंट अकाउंट से क्लोज करेंगे. नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर कैरेट डाउन आता था, तो ये जो आपका था कैरेट डाउन इसको आपने ट्रांसफर किया एज अ ब्रॉट डाउन. जो ये आए इन दोनों को ऐड करके और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल गया. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके दोनों पार्टनर्स का बैलेंस कैरेट डाउन ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको और मैं लिख देता हूँ. बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा जे के लिए तो आता है डेबिट साइड पर, सॉरी मैं बैलेंसिंग फिगर लिखने वाला था, इट शुड बी रिटन एज टू करंट अकाउंट. ऑब्वियसली जे इज करंट अकाउंट, इट कैन बी मेड एज जे इज करंट अकाउंट. और ये आएगा कितना, 31,680 और के के लिए आएगा टू, सॉरी बाय, बाय केज करंट अकाउंट 31,680. Whatever will be the total, का total हो जाएगा 70,080 and 136,800. Important बात ये कि जो मैंने blue color में लिखे हैं यही amount है जो नई balance sheet में जाएंगे, और ये दोनों ये balance भी नई balance sheet में जाएगा. ये balance sheet में assets में जो कैश बैलेंस था पहले हमारे पास उसमें से कम हो जाएगा. तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं बैलेंस शीट का प्रिपरेशन, राइट. ये है हमारी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में ज्यादातर चीजें तो एज इट इज सेम रहेंगी, कुछ एक दो आइटम में ही चेंज है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है. मोटर वैन एज इट इज आएगा, इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज है, मशीनरी एज इट इज है, स्टॉक एज इट इज है. डेटर्स में से पहले हमारा प्रोविजन जो था वो हमने लेस कर रखा था 6,000 का, उसको लेस उसको हमने रिड्यूस कर दिया था, और प्रोविजन 4,000 का ही लेस हुआ है, 2,000 से हमने कम कर दिया था.
कैश बैलेंस पहले हमारी पुरानी बैलेंस शीट में कितना था देखें जरा, हमने 14,000 का पेमेंट किया है कैश में, तो हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास में कैश बैलेंस है 32,000 का, और 32,000 में से जब हमने 14,000 का पेमेंट कर दिया तो हमारे पास में कितना बचेगा? 32,000 में से जब आप 14,000 का पेमेंट कर देते हैं तो हमारे पास में 18,000 बचेगा, और वही 18,000 आपको लिखा हुआ मिलेगा कहाँ पे? नई बैलेंस शीट में। तो ये हमारे पास में आ गया कैश बैलेंस 18,000, और केस करंट अकाउंट 31,680 जो हमने डेबिट में क्लोज किया था वो एसेट साइड में आ जाएगा। जो जे का करंट अकाउंट हमने क्रेडिट में क्लोज किया था उसको हम लाइबिलिटीज में लिख देंगे, क्रेडिटर्स एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। कैपिटल के बैलेंसेस जो नए वाले हमने कैलकुलेट किए थे, एडजस्टेड कैपिटल जो कि 3:2 के रेशियो में है, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया, और एच लोन अकाउंट 1,24,800 का आ गया। सो बाय दिस क्वेश्चन आई हैव जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन आपको मिलता है तो किस तरह से आप उसको डील करेंगे, किस तरह से उसका अकाउंटिंग किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट में लिखें, या फिर आप ज्वाइन करें के कॉमर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पे आप मुझे अपने क्वेरीज लिख सकते हैं। कल संडे है, ऑफ रहेगा। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर। ये रिटायरमेंट का आज फिफ्थ और लास्ट वीडियो था, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद के कॉमर्स अकेडमी, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, और अपने बुक में से और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।